अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपेटिटर एनालिसिस। इसके 7 स्टेप्स हैं और इसे हम वन बाय वन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर वन इज़ आइडेंटिफाई करंट एंड फ्यूचर कंपेटिटर्स इन द मार्केट। जब एक कंपनी कंपेटिटर एनालिसिस स्टार्ट करती है तो वो सबसे पहले ये देखती है कि उसके आइडेंटिफाई करती है कि करंट कंपेटिटर्स कौन से हैं और फ्यूचर कंपेटिटर्स कौन से हैं। तो इस स्टेप में सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि अपना टारगेट प्रोडक्ट देखती है कि उनका टारगेट प्रोडक्ट क्या है। सपोज़ कि कंपनी जो है वो हेयर ऑयल बेचती है, तो वो ये देखेगी कि कौन से ऐसे ब्रांडेड और अनब्रांडेड प्लेयर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि हेयर ऑयल को सेल कर रहे हैं। तो और कंपनी जो है वो ये भी देखेगी कि उनके अभी कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो स्टार्ट कर रही हैं हेयर ऑयल को सेल करना, और ऐसी कौन सी करंट एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं जो इस फंक्शन को स्टॉप कर रही हैं, जो हेयर ऑयल को बेचना बंद कर रही हैं। और कंपनी ये भी देखेगी कि ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो हेयर ऑयल के अलावा और कौन सी चीज़ प्रेफर कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर ऑयल की जगह हेयर सीरम प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो इन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसको देखने से कंपनी को पता चलता है कि उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं। सेकंड स्टेप, फाइंडिंग मार्केट शेयर। मार्केट शेयर फाइंड करना, ये कंपेटिटर का मार्केट शेयर है। ये जितने भी स्टेप्स हैं इनके अंदर हम कंपेटिटर्स को देखेंगे, कंपनी अपना मार्केट शेयर नहीं देखेगी। सेकंड स्टेप में कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई करेगी कि कंपेटिटर्स का कितना मार्केट शेयर है। इससे पता चलेगा कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, और जो कंपनी जो है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो कितनी वाइड रेंज में बेच रही है, उनका कितना मार्केट शेयर है। अगर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है तो वो अपने जो उनके जो रीजन है उसको ब्रेक डाउन करेगी इनटू टेरिटरीज, और उनका हर टेरिटरी के अंदर देखेगी कि कितना कितना शेयर जो है ईच टेरिटरी में एग्जिस्ट कर रहा है कंपेटिटर का। और इससे उसको ये भी पता चलेगा कि जो मार्केट शेयर है, थोड़ी मैंने रिसर्च से ही पता चलेगा कंपनी को कि एक जो कंपटीशन है ये किस टाइप का कंपटीशन है, और ये सेलिंग एक स्पेसिफिक कंपेटिटर की प्रोडक्ट की क्यों ज़्यादा हो रही है। तो एग्जांपल के अगर एक फलां कंपनी है, ए कंपनी है, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो ईज़िली अवेलेबल है, क्या इस वजह से उसके ज़्यादा मार्केट शेयर है, या उसकी क्वालिटी अच्छी है इस वजह से मार्केट शेयर ज़्यादा है, या फिर उसकी प्राइस लो है। तो ये सब के सब प्रोसेस जो है हमें मार्केट शेयर फाइंड आउट करने के बाद पता चलते हैं। नंबर थर्ड है परफॉर्मिंग सॉर्ट। सॉर्ट एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को कहते हैं। सॉर्ट एनालिसिस जिसमें हम कंपनी की फाइंड करते हैं, तो हम इस स्टेप में कंपेटिटर के जो सॉर्ट एनालिसिस हैं वो करते हैं। इसमें हम कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स देखते हैं, और हम देखते हैं कि हमें किस कंपनी को बेंचमार्क करना चाहिए, हमें कौन से स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए कि हम और हम सॉर्ट में ये भी देखते हैं कि कौन सी जो कंपनी है वो आगे ज़्यादा मूव कर रही है, और हम जो है वो कितना कंपटीशन को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। नंबर फोर्थ है बिल्ड कंपटीशन पोर्टफोलियो। नेक्स्ट स्टेप में यह है कि जी कंपटीशन पोर्टफोलियो बनाते हैं कंपनी, और हर एक कंपटीटर के प्रोडक्ट का एक पोर्टफोलियो बनाती है कंपनी, उसके फीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, लॉजिस्टिक्स को, टेंजिबल फीचर्स फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट क्वालिटी, और इनटेंजिबल फीचर्स को फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सर्विसेज, इस तरह का जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको इसका पोर्टफोलियो बनाती है कंपनी अपने कंपेटिटर का, और इस पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम अपडेट भी करती रहती है। अगर कोई चेंज आती है इन पोर्टफोलियोज़ में तो वो टाइम टू टाइम इनको चेंज करती रहती है। नेक्स्ट स्टेप है प्लान स्ट्रेटजीज़। प्लान स्ट्रेटजीज़ में कंपनी क्या करती है कि अपनी स्ट्रेटजीज़ को प्लान करना स्टार्ट करती है कंपटीशन कंपेटिटर्स की स्ट्रेटजीज़ को देखकर, कंपेटिटर्स के जो शॉर्ट एनालिसिस है उसको देखकर कि वो किस तरह की स्ट्रेटजीज़ में जाएंगे, या तो वो उसी तरह की स्ट्रेटजीज़ जो उनके कंपेटिटर यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे, या फिर और तरह की स्ट्रेटजीज़ जो ज़्यादा क्रिएटिव हों, ज़्यादा इनोवेटिव हों, वो स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे। अगर जो मार्केट या फिर ज़्यादा मार्केट चैलेंज स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी तरफ जाएंगे, अगर तो कंपटीशन कम है तो जो कंपनीज़ हैं वो क्या करेंगी कि वो थोड़ी सी एफर्ट भी करें तो वो मार्केट लीडर्स बन सकती हैं। तो इसमें जो कंपनी है वो प्लान करती है स्ट्रेटजीज़ उनको कि उन्हें किस टाइप की स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज़। अब इस स्टेप के अंदर जो आपने जितनी भी स्ट्रेटजीज़ कंपनी ने बनाई है वो उनको एग्जीक्यूट करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर जो है कंपनीज जो हैं वो
प्लान्स बना लेती हैं, स्ट्रेटजीज बना लेती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह हो नहीं पाती जिस तरह उसको होना चाहिए। तो इस तरह जो सारी का सारा जो पीछे से हम एनालिसिस करते आते हैं और जितनी स्ट्रेटजीज बनाती हैं, ये सारे का सारा काम ख़राब हो जाता है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज में कंपनी क्या करती है, अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करती है और साथ में एक प्लान भी बनाती है जिसे कॉन्टिनजेंसी प्लान कहते हैं, वो भी बना के रखती है कि अगर एक कंपेटिटर का कोई ऐसा रिएक्शन आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, तो वो अपना प्लान भी साथ में स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको जो उनकी स्ट्रेटजीज उनको इफेक्ट ना हो। लास्ट स्टेप है फॉलोअप। जो अभी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है स्ट्रेटजीज़ की, जो कंपनी है उन्हें साथ 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 जो है फॉलोअप करती रहती है कि किस तरह की स्ट्रेटजीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, अपनी सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। तो इसकी हमेशा स्टैटिस्टिक्स रखते हैं अपने पास, और ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर द डिसीजन मेकिंग में।